पता है उसका फोन रात को चार्ज लगाने की वजह से खराब हो गया। हम तो 10,000 mAh बैटरी वाला फोन लेगा। तेरे फोन पे कितने मेगापिक्सल का कैमरा है? मिथ्स। एक सेकेंड, इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। कल्पित कथा। रहने दो यार, मिथ ही ठीक है। तो आज की वीडियो होने वाली है 10 स्मार्टफोन मिथ्स के बारे में जो अक्सर लोग सच मान लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करो यार। आपने अक्सर किसी साइट पे ब्राउज करते हुए अचानक से देखा होगा कि आपके फोन में वायरस है और एक ऐप इंस्टॉल करके आप कैसे इस वायरस को हटा सकते हैं। ये एक्चुअली एक स्कैम टेक्निक है जो कंपनीज कंज्यूमर पे यूज करती है ताकि कंज्यूमर्स उनका प्रोडक्ट यूज करें। एंड्रॉइड की बेसिक आर्किटेक्चर लिनक्स पे बेस्ड है और जो लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से वाकिफ है उन्हें मालूम होगा कि ज्यादातर कंपनीज लिनक्स बेस्ड ओएस प्रेफर करती है बिकॉज उनका सिस्टम वायरस से प्रतिरक्षित है। एंड्रॉइड में आपको मैलवेयर मिल सकते हैं बट वो तभी होगा जब आप कोई भी एप्स गूगल में ढूंढ के डाउनलोड कर रहे हैं ना कि प्ले स्टोर से। मैंने काफी एप्स देखे हैं प्ले स्टोर पे जो दावा करते हैं कि इन्हें इंस्टॉल करने के बाद आपका फोन स्मूथ और फास्ट हो जाएगा। हालांकि इन एप्स के लोगों को देखकर लगता तो है कि हमारे फोन में साफ सफाई हो रही है या रॉकेट इंस्टॉल हो रहा है फोन को उड़ाने के लिए, बट ऐसा नहीं है। रैम या कैश डाटा क्लियर करने से आपके एप्स की स्टार्टअप एबिलिटी स्लो हो जाती है। रैम हेल्प करता है आपके एप्स चलाने के एक्सपीरियंस को स्मूथ करने के लिए। वैसे रैम या कैश डाटा क्लियर करना कोई बुरी बात तो नहीं है बट मेक श्योर यू डोंट डू इट ऑफन। अक्सर लोग कहते हैं कि फोन वही खरीदना जिसमें कैमरा का मेगापिक्सल ज्यादा हो। आज के डेट पे तो मेगापिक्सल्स की रेंज 108 तक चली गई है, लेकिन क्या ऐसा सच में है कि मेगापिक्सल मेक्स कैमरास बेटर? आंसर है नहीं। ज्यादा मेगापिक्सल्स आपके फोटोज को प्रिंट करते वक्त या क्रॉप करते वक्त डिटेल्स मेंटेन करता है बट फोटोज की ओवरऑल क्वालिटी फोन के सॉफ्टवेयर पे मैटर करता है। एग्जांपल के तौर पे लीजिए गूगल पिक्सल 4 और वन प्लस 8। पिक्सल में 16 MP वाला कैमरा है और वन प्लस 8 पे 48 MP। फिर भी पिक्सल कैन डोमिनेट द वन प्लस 8 एनी डे क्योंकि पिक्सल फोन्स में इमेज प्रोसेसिंग की सॉफ्टवेयर काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू वन प्लस डिवाइसेज। सो नेक्स्ट टाइम मेगापिक्सल की जगह सॉफ्टवेयर चेक करना व्हेन यू बाय अ न्यू फोन। ये एक ऐसा मिथ है जो स्मार्टफोन्स के एग्जिस्टेंस के टाइम से ही लोग फैलाते जा रहे हैं। बहुत लोग रात को सोने के टाइम अपना फोन चार्ज पे लगाकर छोड़ देते हैं ताकि सुबह उठने पर फुल चार्ज मिले, और उनसे भी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करने से बैटरी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन ये एक मिथ है। स्मार्टफोन्स में स्मार्ट वर्ड यूं ही नहीं लगा है। स्मार्टफोन्स में एक बिल्ट इन प्रोटेक्शन होता है जो चार्ज लेना बंद कर देता है आफ्टर इट हैज़ चार्ज द बैटरी। आज के डेट पे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उन सभी में ये फीचर है। बस ध्यान रखें कि आपकी बैटरी ओवरहीट ना हो, अदरवाइज दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ ए फॉल्टी बैटरी। आज के डेट पे आपने सुना होगा कि फोन्स में ऑक्टा कोर क्वाड कोर प्रोसेसर्स है और बहुत लोगों को लगता है कि कोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बट दिस इज स्लाइटली अनट्रू। कोर्स की वर्क करने की एफिशिएंसी उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। अगर आपके फ़ोन में हार्डवेयर मस्त है और सॉफ्टवेयर इज क्रिंजी, देन अल्टीमेटली आपका फ़ोन स्लो डाउन हो ही जाएगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास डेका कोर्स है या नहीं, वट मैटर्स इज गुड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इन द फोन। नेटवर्क बार पे अगर बार्स कम है तो हम सोचते हैं कि कॉल क्वालिटी ड्रॉप होती है या फिर कॉल करने से आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये एक्चुअली जिस नेटवर्क के टावर से आप जुड़े हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप जिस टावर से कनेक्टेड है उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग कनेक्टेड हैं तो आप कॉल ड्रॉप्स या नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज फेस करेंगे इवन अगर आपका फुल सिग्नल दिखा रहा है नेटवर्क बार पे। और वही टावर पे अगर कम लोग कनेक्टेड है तो आपका कॉल क्वालिटी कभी ड्रॉप नहीं होगी इवन अगर आपके नेटवर्क बार पे एक ही बार दिखा रहा है तो। गोरिल्ला ग्लास टेक्नोलॉजी एक बहुत रिमार्केबल इन्वेंशन है। ये हेल्प करता है आपके फ़ोन की स्क्रीन को टूटने से या स्क्रैचेस से बचाने में, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये टूटता ही नहीं। गोरिल्ला ग्लासेस कैन ईजिली बी ब्रोकन इफ इट फॉल्स फ्रॉम द रॉन्ग एंगल, या इजिली स्क्रैच भी पड़ सकता है अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक ग्लास ही है। आपकी सेफ्टी इसी में है कि एक स्क्रीन प्रोटेक्टर डेफिनेटली लगाए अपने फ़ोन पे। फ़ोन रूट करना बेसिकली मतलब अपने स्मार्टफोन्स को अनलॉक करना उनके फुल पोटेंशियल का फ़ायदा उठाने के लिए, बट ज़्यादातर लोगों को लगता है फ़ोन रूट करने से वारंटी वॉइड हो जाती है,
बैटरी लाइफ कम हो जाती है या सबसे बेस्ट फ़ोन ख़राब हो जाता है। वेल टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप एक कार को ड्राइव करने लगते हैं और आपको ड्राइविंग आती ही नहीं तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। ठीक उसी तरह है रूटिंग योर फ़ोन। अगर आपको पता नहीं आप कर क्या रहे हैं तो चीज़ें ख़राब होंगी ही। रही बात वारंटी वॉइड होने की, तो फ़ोन को अनरूट भी किया जा सकता है। फ़ोन्स रूट करना ईजी है एंड यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बैटरी सेवर्स बैटरी सेव नहीं बल्कि बैटरी ज़्यादा ड्रेन करती है। इन ऐप्स में ये दिखाते हैं कि कैसे आपके सारे खुले हुए ऐप्स क्लोज करके या आपके GPS एंड मोबाइल डेटा ऑफ करके ये बैटरी सेव करते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये उसका उल्टा ही करता है बाय रेगुलरली चेकिंग ऑन द बैकग्राउंड फॉर ओपन ऐप्स। अगर आपको सच में बैटरी सेव करना है तो एंड्रॉयड में इनबिल्ट बैटरी सेवर का ऑप्शन आता है, उसका फ़ायदा उठाइए। मार्केट में आप जब भी फ़ोन्स खरीदते हैं तो कैमरा और प्रोसेसर के अलावा बैटरी एक ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो हर किसी को चाहिए। ज़्यादा MAH बैटरी मतलब 2-3 दिन तक चलने वाला फ़ोन, बट एक्चुअली में आपकी बैटरी लाइफ कुछ अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल, एक 6-inch डिस्प्ले का बैटरी पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ए 5.6-inch और 5.8-inch डिस्प्ले। उसके अलावा आपके प्रोसेसर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है बैटरी लाइफ को इम्प्रूव करने में। नेटवर्क यूजेबिलिटी, नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड ऐप्स भी डिसाइड करती है कि आपके फ़ोन में बैटरी कितनी देर तक टिकेगी। सो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट पे जाओ फोन्स खरीदने तो मेक श्योर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो में कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके और आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के काम आए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे अगले वीडियो में मिलने की। बाय बाय।